खीराबेड़ा रांची और रामगढ़ जिले की सीमा पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ये गांव रांची जिले का आखिरी गांव है। यहाँ के अधिकांश निवासी बेदिया जनजाति के हैं, जो झारखंड की आदिम जनजाति है। नौकरी या काम की कमी के कारण गांव के अधिकांश युवा आजीविका के लिए बाहर जाते हैं। बेदिया के तीन लड़के इस समय उत्तराखंड में सुरंग में फंसे हुए हैं। उनके परिवार की हालत बेहद चिंताजनक है। सुरंग में फंसे मजदूरों में से एक है राजेंद्र बेदिया, लेकिन उनके परिवार को कल एक और झटका लगा जब उनके चचेरे भाई दिनेश बेदिया, जिस ट्रैक्टर पर सवार होकर रामगढ़ जा रहे थे, उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार इस सदमे से उबरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इस दोहरे सदमे ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। अभी दाह संस्कार होना बाकी है। पोस्टमार्टम के बाद शव रामगढ़ से नहीं आया है। गांव के अन्य परिवार भी, जिनके परिजन सुरंग में फंसे हैं, समान रूप से परेशान हैं और किसी उम्मीद भरे संदेश का इंतजार कर रहे हैं। राजेंद्र बेदिया मेरा बेटा का नाम है और ये गया है 1 तारीख है, यही 1 नवंबर को यहाँ से। आज हो गया 9 दिन फसल, 12 तारीख के फसल बोल रहे हैं लोग, आज तो हो गया 9-10 दिन हो गया। आज तक कोई वैसा अति नहीं आ रहा है कि उन लोग के निकाला जाए, कहिया निकाला जाए पता नहीं। आजकल हो रहा है तो यहाँ के सरकार भी और वहाँ की सरकार भी जल्द से जल्द हम लोग निकाले किसी तरह, यही बोलना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे। सूचना मिला अभी तक? कहाँ कोई सूचना मिला है, वही मोबाइल वगैरह हम तेरे में देख लेते हैं किसी का मोबाइल में, तो वही अभी लोग बोलता है कि हाँ भाई अभी सब खुशहाल है, सबको निकाल लिया जगह। आजकल होता है यही बात चलता है और यही बोलना चाहेंगे। और लड़का लोग है तो बाहर में है, वो 3 लड़का है यहाँ का जो फंसा है। उल्लू का एक के बोलता है अनिल और के काजन का नाम है, उसको नहीं जानते हैं। 3 लड़का है जो टनल में फंसा हुआ, टनल में फंसा हुआ है। इस बीच में आप लोग के घर में कोई और हादसा हो गया? इस बीच में और हादसा हुआ, मेरा बड़े भाई के लड़का वो भी डेट कर गया कल रोड में एक्सीडेंट कर गया। तो हम लोग के तो घर में पूरा अति हो गया, पूरा आग लग गया। बड़ा भाई का बेटा डेट कर गए रोड में जा रहा था रामगढ़, ट्रैक्टर में बैठ कर पीछे से ट्रेलर मार दिया। सर इस परिवार में एक तो गरीब परिवार है, ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर मैंने गांव से लेके रामगढ़ तरफ जा रहा था। कुछ सुनने में आया है कि पीसीआर लोग जो है जहां एक्सीडेंट होता है वहीं पर ही ये लोग कुछ लेन देने के चक्कर में है, ब्रेक करता है गाड़ी, पीछे से बड़ा गाड़ी आ रहा था ट्रेलर, वो पीछे से मार दिया। और थोड़ा सा रोड भी उस जगह संकेत है जो सरकार आज तक उसको दुरुस्त नहीं कर पाया है। और जब उस सारा कोई जान रहा है कि उस जगह हमेशा होता है तो रोड का थोड़ा सा है कुछ जगह उसको साइड से बना देना चाहिए। घटना है कल पोस्टमार्टम में भेजा है, अभी तक लाइश नहीं आया है। आज सारा परिवार रो रो के बेहाल है। तो जैसा जैसा स्थिति देख रहे हैं सर, इस घर में तो दुखों के पहाड़ टूट गया है, तो इसके बारे में सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और सुनने में आया कि 20 किलो चावल का कुछ मिला है परिवार में, तो उतना में तो राहत नहीं होगा सर। हम इसके लिए चाहते हैं कि कम से कम 1-1.5 क्विंटल चावल दे दे, 60-70 हजार रुपया पैसा इस लोग का दे दे, ताकि हस्ता तो है ही, कम से कम इन लोग को जीविका चले, खाने पीने का व्यवस्था हो जाए। इस परिवार के साथ कहा जा रहा है कि दोहरा हादसा हुआ, दोहरा क्या? एक तो एक भाई का बेटा तो टारन में फंसा हुआ है, वो भी काम के अभाव के चलते बाहर आदमी यहां से निकल रहा है, यहां काम का रोजगार नहीं है, जिसके चलते यहां का लड़का बच्चा बाहर निकलता है। और
वहां जाके कम से कम यहाँ का बच्चा 3 को फंसा हुआ है और अभी तक तो मीडिया या तो पेपर में सुरक्षित बता रहा है कि सुरक्षित है, लेकिन यहाँ का जिस घर में हादसा हुआ है उन लोग को अभी तक संतुष्ट नहीं आ रहा है कि का सही है का गलत है, ये लोग समझ में नहीं आ रहा है। जब तक वो लड़का सामने ये लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा, और हम लोग यही चाहते हैं कि वहां से जो भी हुआ हादसा उसमें सरकार अच्छा तरह से सुरक्षित उन लोग को निकला दे और आपस उन लोग को घर सौंप। उत्तराखंड में गए हैं तो पता हो गया, इसका बाहर वाला आदमी जैसे को पता लगाया तो जैसे से हो गया, तब हम लोग खबर मिले तो नहीं मिलते हैं सर। तो जब बताया कि जब आपको हमरा के बता दिया कि घर में कि तोरा लड़का और उसका लड़का हम लोग निकल गया, उन लोग को घुस गया इंदिरा खाना अथी में का कहें सर। तो अभी प्रशासन कुछ खबर दिया आप लोगों? प्रशासन तो नहीं दिया है वेकन कुछ, कोई तो जिंदा है जिंदे है वही चलते हो रहा है बात की जो जिंदे है अभी कुछ नहीं हो रहा है, खाना पीना सब चल रहा है ठीक है। सरकार के हम लोग कहते हैं जो दवा मांगते हैं भगवान के लिए से हमको अच्छे होगा और ठीक होना है। बता दें कि इस गांव में कुल 9 लड़के सुरंग निर्माण में लगे हुए हैं, जिनमें से 3 को फंसा लिया गया है। 3 में से एक राजेंद्र बेदिया के परिवार को कल दोहरा झटका लगा जब उनके चचेरे भाई दिनेश बेदिया की रामगढ़ जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।